नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम आपसे बात करने वाले हैं इंडियन टेलीविजन के एक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और एक पॉपुलर रियलिटी शो पार्टिसिपेंट विकास गुप्ता के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। विकास गुप्ता का जन्म हुआ था 7 मई 1987 को देहरादून उत्तराखंड में। विकास गुप्ता के दो भाई और एक बहन भी है। विकास गुप्ता अपनी बेसिक एडुकेशन राय यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से कंप्लीट की थी। अपनी ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद में विकास गुप्ता मुंबई आ गए और एक बॉलीवुड के पॉपुलर फिल्म डायरेक्टर भीमसेन खुराना के साथ में एज ए राइटर काम करने लग गए। और उसके कुछ ही साल बाद ही विकास गुप्ता को एज ए ट्रेनी बालाजी टेलीफिल्म्स में काम मिल गया। मगर अनफॉर्चुनेटली 4 दिनों के अंदर ही उन्हें उस कंपनी से निकाल दिया गया। और उसके बाद विकास ने इंडियन टेलीविजन के पॉपुलर डायरेक्टर दिव्या सिंह के अंडर एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर काम करना शुरू कर दिए। और वहाँ पे कुछ साल काम करने के बाद में फिर से उन्हें बालाजी टेलीफिल्म में काम करने के लिए बुलाया गया और इस बार उन्हें इस प्रोडक्शन हाउस का क्रिएटिव हेड भी बना दिया गया। और उसके साथ साथ कुछ पॉपुलर टीवी सीरियल जैसे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, महाभारत और किस देश में है मेरा दिल, इन सब डेली सोप की उन्हें हेड भी बना दिया गया। प्रोडक्शन हाउस के हेड होने के साथ साथ विकास ने एक्टिंग भी करने की कोशिश की और इसलिए विकास ने टीवी सीरियल जैसी प्यार की एक कहानी में भी एक्टिंग की। मगर कुछ ही कारण के बजट से 4 दिनों के अंदर ही वो सीरियल भी उन्होंने छोड़ दिया। और उसके कुछ ही साल बाद ही विकास गुप्ता ने अपनी खुद की प्रोडक्शन हाउस ए लॉस्ट बॉय प्रोडक्शंस भी चालू किया और उनके अंडर काफी पॉपुलर सीरियल्स भी लॉन्च किए। कुछ कुछ पॉपुलर सीरियलों की बात करें तो MTV में दिखाए गए जाने वाला कुमरा एंड ऑफ इनोसेंस, द सीरियल यह है आशिकी और MTV वेब्ड काफी पॉपुलर है। एक प्रोड्यूसर होने के साथ साथ विकास गुप्ता एक स्क्रीन राइटर भी हैं और वो बहुत सारे शोज में स्क्रिप्ट भी लिख चुके हैं। कुछ पॉपुलर शोज की बात करें तो मुझे मेरी फैमिली से बचाओ, गोल्डन एरा विद अनु कपूर, देसी बीट्स, कुमरा एंड ऑफ इनोसेंस एंड द सीरियल, इन सभी शोज में विकास एज ए स्क्रीन राइटर और स्क्रिप्ट राइटर भी काम कर चुके हैं। बॉलीवुड के पॉपुलर प्रोड्यूसर एकता कपूर विकास गुप्ता के राखी सिस्टर भी है। विकास गुप्ता के बारे में कंट्रोवर्सीज की बात करें तो विकास गुप्ता एक बाइसेक्सुअल हैं। उनके साथ साथ उनके एक बॉयफ्रेंड 2013 में विकास गुप्ता जब अपनी बॉयफ्रेंड पार्थ के साथ में बैंकॉक घूमने गए थे और बैंकॉक से आने के बाद ही पार्थ ने उनके ऊपर एक कठोर इल्जाम लगाया था। उसमें बताया गया था कि विकास उन्हें अजीब अजीब तरीके से छू रहे थे और इसकी वजह से काफी सारा हंगामा हुआ और विकास गुप्ता को काफी सारा बदनामी भी झेलना पड़ा। इन सब चीजों से उभरने के बाद में विकास गुप्ता अभी फिलहाल बिग बॉस 11 के एक पार्टिसिपेंट हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से वहां पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं और ये भी लग रहा है कि बिग बॉस 11 के विनर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ अननोन फैक्ट्स विकास गुप्ता के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर जरूर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।